टू वेलकम टू यू। तो विवश से इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ मनोड़ा पार्क के सामने। इस पार्क की तारीफ तो मैंने बहुत सुनी है, तो आगे चल के पार्क के अंदर में एंटर होते हैं, बाकी व्यूज मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो विवश इस वक्त मैं बैठा हूँ मनोड़े के इस साइड पे एक होटल के अंदर। काफ़ी थक गए थे हम, तो सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो एक होटल पे हम बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह सुना है कि इसकी चाय बहुत उमदा लजीज है। तो कुछ मैंने समोसे मंगाए, कुछ ये केक मंगाए, और मक्खियाँ का तो काफ़ी वो, क्योंकि मक्खियाँ यहाँ पर वैसे भी जिस जगह पर फिश वगैरह होती है तो मच्छियाँ बहुत होती हैं, मक्खियाँ बहुत होती हैं। तो इस वजह से ये कि ज़रा हम चाय वगैरह पीने, तो फिर आगे का इंशाल्लाह व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा। तो देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, समंदर कितने ठांठे मार रहा है। अब जिस जगह पे हम खड़े हुए थे उस जगह भी आप देखें कि माशाल्लाह लहरें आ रही हैं, और बहुत से मेरी बहनें भाई कुछ लाहौर से आए, अल्लाह पाक उनको अपने हिफाजत में रखे। जो कराची से आए उनको हम वेलकम करते हैं, ये बच्चा खड़ा हुआ है भांजा है मेरा, उसको हम वेलकम करते हैं। तो सारे लोग फैमिली लेके आए हुए, बस अल्लाह पाक करके खैर खैरी से वापस अपने घर चले जाएं। एक एडवाइस मैं तमाम अपने बहनों को भाइयों को ज़रूर दूंगा कि समंदर के नज़दीक आप लोग मत जाएं, क्योंकि जान है, जान है तो जान है। ऐसे समंदर फिर भी हम देख लेंगे, लेकिन जब क्वाइट हो। तो देखें ये कैमरा मैन मेरा बता सके, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कुछ गलतियां करते हैं, समंदर के नज़दीक जाते हैं। तो आई थिंक समंदर के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाहर से देख खड़े होके उनका आप लोग एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। तो ये देखो एक ऊँट वाला खड़ा है, ज़रा मैं इससे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम? फराज। फराज कौन सी ज़बान बोलते हो? उर्दू बोल सकते हो? जी। फरस क्या माहौल है समंदर में? कोई कस्टमर वगैरह आपको लग रहे हैं या लोग बैठ रहे हैं? लोग टाइम पास हो रहा है। हो रहे टाइम पास हो रहे हैं। हाँ, अच्छा पानी निकल रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये किस हिसाब से आप पैसे लेते हो? मीटर किलोमीटर फरलांग? दो फर का हिसाब, 100 150 200। ठीक ठीक। चक्कर का हिसाब? चक्कर का। जी जी। फरस बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? मोहम्मद शुएब। सर सर मोहम्मद शेब कराची से आप आए हो या खाने वाल से आए? मुल्तान से आए हम। तो सर हम आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि भाइयों अब हमारे के पंजाब वाले हमें बहुत ही कम यहाँ पर लोग मिलते हैं। नहीं इंशाल्लाह, तो बहुत हमें खुशी होती है कि हमारे भाई हमारी बहनें। बिल्कुल जी। और बच्चियाँ हमारे, कैसा लगा ये समंदर देख? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें, यहाँ का माहौल बहुत सही है माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम है। आपको अल्लाह इधर की दिखाए, अभी आना इधर को माहौल पूछे। ये हमारे भाई जान है बड़े, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चे भी खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आबिद। अब सब आप यहीं कराची के रहने वाले हो या खाने वाले? खाने वाले थे। तो खाने वाले में तो समंदर नहीं है। जी जी। तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ आके? यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे हमारे। और कराची के लोग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लोग हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कराची और पंजाब में कोई फ़र्क तो नहीं है। नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमें फिर भी खुशी होती है कि वहाँ के बारे में कुछ जाने, क्योंकि वहाँ पर हैं नहरें वगैरह हैं, समंदर नहीं है। समंदर नहीं है। तो हम वेलकम करते हैं आप लोग को, लेकिन एक बड़ी सेफ्टी आप लोग को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ना खुद जाएं ना बच्चों को ले जाएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जी। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह बाजी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे। बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह। चैनल है मेरा हमीद एशियन किचन। अच्छा जी। आप लोग देखते रहें, सर्च करें। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ दोस्त हमारे आए थे खानेवाल पंजाब से, तो इनसे बात हुई, ये काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर समंदर को। लेकिन समंदर को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक एडवाइस इनको दिए कि समंदर के नज़दीक आप लोग मत जाएं, क्योंकि इस टाइम जो समंदर है वो काफ़ी हद तक डेंजर है। ठीक है, बस तो आगे चल के ये देखें व्यू मेरा आपको दिखा सके कि समंदर किस तरीके से ठांठे मार रहा है। तो अल्लाह ना करे जैसे ये ठांठे मारता है तो इंसान को लेके फिर ये अंदर भी इसी तरीके से चला जाता है।
तो इंसान का पता ही नहीं चलता, ना इसके सामने बिल्डिंगें ठहरती हैं, ना कोई शिप ठहरता है, ना कोई ब्रिज वगैरह ठहरती है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिस्बो अमान में रखे। पाक परवरदगार, इन्जॉय आप लोग दूर से भी कर सकते हो, ठीक है ना। हमारी फैमिली आई हुई हैं, बहनें हमारी, बच्चियाँ, बेटे बेटियाँ, तो अल्लाह पाक इनको अपने हिस्बो अमान में रखे, पाक परवरदगार। और काफ़ी मैं समझता हूँ कि यहाँ के व्यू बड़े खूबसूरत है, काफ़ी लंबा चला गया है। और देखिए हर इंसान अपने फैमिली के साथ बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, बहुत ही खुश है। और देखें माशाल्लाह हज़ारों के हिसाब से लोग आए हुए हैं। ये कुछ ऊँट वाले हैं, कुछ घोड़े वाले हैं। आगे बेटा चल के ज़रा ये घोड़े का ज़रा दिखाओ, ज़रा इनसे भी बात कर लें। ये बेचारे कह रहे थे कि मैं बात करनी है इनसे। तो ये ज़रा ये घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं, इनसे ज़रा पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, थोड़ा ना स्टीफन। तो स्टीफन कैसे लग रहा है आज? दिन तो मतलब छुट्टी का नहीं है, लेकिन रश तो यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है। बहुत है ज़्यादा है, लेकिन पानी बहुत तेज़ है। पानी बहुत तेज़ है। तो यहाँ जो हमारे बहन भाई, इनको ज़रा अरे मशवरा दो, कोई एडवाइस दो। ओके ठीक है, एक बहन हमारी खड़ी हुई है, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। और माशाल्लाह इन्होंने कैब बड़ी खूबसूरत रखी हुई है। तो अल्लाह पाक इनको बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। हर इंसान कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलेट करे, यहाँ पर ले आए, घुमाए फिराए। तो मैं एंड में बहन कुछ बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पेशावर। वेलकम टू पेशावर। और आज मैं समझता हूँ मेरी बहन, मैं काफ़ी लकी हूँ। सबसे पहले मुलाकात हुई लाहौर वालों से, उसके बाद खाने वालों के साथ, और अब हो रही है पेशावर वालों के साथ। तो ज़रा आप मुझे बताएं कि पेशावर और यहाँ क्या फ़र्क है मेरी बहन? पेशावर में ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, और इधर बारिश होती है तो गर्मी वैसे की वैसे ही रहती है। तो हम ये नेट पर देखा था, तो मनोरा को, तो उसको देखने के लिए हम स्पेशल, बच्चों की छुट्टियां थी तो फिर हम इधर आए मनोरा बीच देखने के लिए। कैसे लगा आपको बीच और कराची, कराची के लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लगे। तो इंशाल्लाह कभी हम भी पेशावर आएंगे, क्योंकि पेशावर तो हमने नहीं देखा। अच्छा, तो जरूर हम भी कभी पेशावर आएंगे। वहाँ पर खूबसूरत मनाजर है काफ़ी। तो बहन अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे इन भांजों को तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने मुझसे बात की। थैंक यू। जो वेलकम। ठीक है जी, यही अब थी मेरी बहन, पेशावर से आई है। तो अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि दोबारा दूसरी दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का करम, अल्लाह पाक का। सर ज़रा कराची के बारे कुछ बताएं। कराची पहले की नस्बत काफ़ी बेहतर है, और लोग बहुत प्यार करने वाले हैं जी, प्यार मोहब्बत। मुझे यहाँ पे हफ्ता हो गया एक, तो जिससे मिला हूँ खुश अखलाकी से मिला हर कोई जी। तो आप भी अच्छे हैं, और बहन हमारी वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी। तो जाहिर है कि अच्छे लोगों के साथ लोगों का बिहेव अच्छा ही होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक, मैं तो एक ही नाइस कपल जी, एक ही बात मैं कहूँगा, नाइस कपल। आप लोग की जोड़ी माशाल्लाह, अल्लाह पाक ता कयामत कायम उदायम रहे। इधर मेरे भतीजे की शादी थी, हम वहाँ आए हैं, पर ये आने की तैयारियाँ हमें 3 महीने हो गए हम कर रहे हैं, पर बच्चों ने इसरार किया हुआ था कि नहीं जी मनोड़ा बीच हमने जाना ही जाना है। नेट पे इन्होंने सर्च किया हुआ था, तो इसलिए मैं फिर इनको इधर लेके आया हूँ। तो वेलकम करते हैं, लोग हैं, माहौल बहुत अच्छा है, और इस तरह के पॉइंट्स और भी होने चाहिए, मैं कहता हूँ तफरी के लिए। नहीं इंशाल्लाह, अब पॉइंट तो बन रहे हैं। ज़रा अगर कराची से बाहर भी आप निकलेंगे तो एक बीच है गडानी जी, लेकिन ये ज़रा कंट्री साइड पे पड़ जाता है। वहाँ भी आप घूमें तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और हालांकि यहाँ से वहाँ का मोबाइल भी जो काफ़ी क्वाइट है, और लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। खुद अच्छे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप लोगों को लोग अच्छे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इधर आके महसूस हो रहा है कि हम आउट ऑफ कंट्री हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं, पाकिस्तान में नहीं हम। बता ईसा की जगह के हवाले से कह रहा हूँ ना, ईसा की जगह पहले ना मैंने कभी सोची और ना देखी है। नहीं तो अल्लाह करेगा आप हर साल हर ईयर आप लोग आएंगे। दूसरी साइड पे गए थे, मुझे नाम नहीं याद, समंदर भी गए थे हम 2 साल पहले,
पर नहीं उधर कुछ भी नहीं था। अब इधर आके तो बिल्कुल मतलब यहाँ के आप लोग सेटिस्फाई हो गए तो इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन को लेके आप हर साल आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ट्रैवलिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि उन्होंने ट्रैवलिंग बाय एयर बाय बस बाय ट्रेन बस अल्लाह करके इनका हाथ छोड़ना नहीं। नहीं जी नहीं। थैंक यू सो मच। पकड़ा है ऐसा पकड़ा है कि कभी ये छुड़ाए भी तो नहीं छोड़ेंगे। ओके जी थैंक यू थैंक अल्लाह हाफिज़। तो विवस अब मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगा हूँ क्योंकि व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया। तो अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे आबाद रखे पाक परवरदगार हर मुश्किल से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।